दोस्तों, इंडियन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे ही अपने फेस पे नेचुरल ग्लो कैसे पा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप होममेड रेमेडी से ही अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं और बहुत ही अच्छा और इंस्टेंट ग्लो मिलेगा आपको। और ये जो ग्लो होगा वो आपके फेस पे दिखेगा और बहुत ही अच्छा काम करेगा। हम फाउंडेशन और क्रीम लगा के जो ग्लो लाते हैं अपने फेस पे, वो परमानेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे आपका फाउंडेशन निकलता जाएगा, आपका ग्लो भी बहुत कम होता जाएगा। फाउंडेशन और क्रीम जो है, जिसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं, वो हमारे फेस के लिए अच्छा भी नहीं होते हैं। तो अगर आप नेचुरल ग्लो अपने फेस पे लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। होम रेमेडी जो कि मेरा फेवरेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ग्लो लाने का सबसे अच्छा सोर्स है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके, हमारे फेस को वो बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। आपकी जो फेस है वो ड्राई है तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर आपका फेस जो है वो ऑयली है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके फेस में कोई भी पिंपल एक्ने वगैरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रॉ मिल्क जो है वो ऑलमोस्ट सारे लोगों को सूट करता है। और अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं, और जब मैं इस फेस पैक को बनाऊंगी और जब मैं इसे अप्लाई करूंगी, उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो ये देता है। तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं फेस में ग्लो लाने के लिए। आपको पका दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, या फिर आपने गैस पे चढ़ा दिया और फिर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा। पका दूध से आपका जो फेस है उसमें पिंपल और एक्ने हो सकते हैं, तो आपको कच्चा दूध ही लेना है, प्लीज इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो या तो आप कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे लगा सकते हैं, मैं इस ब्रश की हेल्प से अपने फेस में इसे लगाऊंगी। इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही सूखने देंगे, उसके बाद ठंडे पानी से आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से सूख गया है 5 मिनट के अंदर ही। इसे ठंडे पानी से क्लीन कर लूंगी। तो ये देखिए इसका ग्लो। अगर आपको कभी शादी पार्टी में जाना है ना, तो अगर आप मेकअप करते हो उसके आधे घंटे पहले अगर ये प्रोसेस कर लोगे ना, तो उससे भी आपका जो फेस है वो ग्लो करता है। तो फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी, हमें चाहिए हल्दी पाउडर, उसके बाद हम ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फेस पैक बहुत ज्यादा पतला लग रहा है, तो थोड़ा और मुल्तानी मिट्टी इस पे ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया। तो अब हम ये फेस पैक लगाएंगे। इसे आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं नेक पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और अब हम इसे सूखने देंगे और उसके बाद अपना फेस मैं ठंडे पानी से क्लीन कर लूंगी। ये देखिए अच्छे से सूख गया है, अब मैं ठंडे पानी से इसे क्लीन कर लूंगी। अगर आपको गुनगुना पानी मिले तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये देखिए आप इसे ऐसे रब करके भी क्लीन कर सकते हैं। और अब हमें एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है।
तो मैं यहाँ पे पॉन्स का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। तो आप मेरे फेस में ग्लो देख सकते हैं। बाद आप धूप में जा सकते हो, आप फाउंडेशन लगा सकते हो, आप क्रीम लगा सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके फेस में नहीं होगी। और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि इसे अप्लाई करने के बाद आप गोरे हो जाओगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपका जो फेस का कलर है वो थोड़ा निखरना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फेस में अच्छा सा ग्लो भी आपको मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा। आप में से बहुत लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल बटन को क्लिक नहीं करते हैं, जिसके वजह से वीडियो के जो व्यूज़ है वो थोड़े कम मिलते हैं मुझे, तो उसे मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सको। तब तक के लिए बाय बाय।